15 नामों की घोषणा हो चुकी है। आप चूरू जिले से आते हैं क्योंकि आपको चूरू की जो एक रीति और नीति पता है कि वहाँ देखिए, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता को किस रूप में किस जगह पर कैसे काम लेना, ये बेखूबी से हमारे आलाकमान हमारा नेतृत्व जानता है। यह चुनाव सिर्फ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है और मोदी जी का मैजिक कब पूरे देश में चल रहा है, राजस्थान भी अछूता नहीं। हम सब लोग आतुर हैं तीसरा कार्यकाल मोदी जी को ऐसा मिले कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान बने। इस नाते यहाँ मोदी में वातावरण है, यहाँ कौन उम्मीदवार, कैसा उम्मीदवार, कहाँ का उम्मीदवार, सब गौण है। लेकिन एक सवाल है क्योंकि चूरू से देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार की बात करूँ तो राहुल कशवाहा वहाँ पे एज ए सांसद। मैंने आपको कहा ना, सामान्य बातें हैं। राहुल जी से कोई शिकायत नहीं, देवेंद्र जी उम्मीदवार बन गए तो कोई शिकायत नहीं। वो चुनाव लड़ते तो भी दमखम से लगते, अब ये चुनाव लड़ेंगे तो भी दमखम से लगेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष वीरेंद्र उनके खुद के टिकट को लेकर क्या कहा है कि बीजेपी राजेंद्र सिंह राठौर के टिकट को लेकर के भी बातचीत चल रही है। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा इस मुद्दे को लेके। राठौर साहब, एक सवाल ये है कि आपके खुद के टिकट को लेके लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। दरी बिछाने से लेकर माइक पर भाषण देने तक और माइक के भाषण देने से लेकर जिस भी कसौटी पर पार्टी परखेगी उसमें तैयार हूँ। तो राजेंद्र राठौर क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये कहने का ना मुझे अधिकार है ना मैं कह सकता हूँ। ये जिम्मेदारी दी जाती है, ये आलाकमान को तय करना है, नेतृत्व को तय करना है। बिल्कुल।